हेलो गेसेंस, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपका म्यूजिक टीचर प्रिंस, और आज हम एक नई बीट सीखने वाले हैं। तो जैसे अभी तक हम 1 2 3 4 1 2 3 4 ये काउंट करते हैं, तो आज हम काउंट करेंगे ओनली 3। और कैसे वो देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमें काउंट करना है 1 2 3। ठीक है, तो आप घर पर अगर इसे प्ले करना चाहते हैं तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल होगी या कोई बर्तन लेके साथ में स्पून यूज़ कर सकते हैं, या आप एक कोई भी बॉक्स लेके उसके अंदर राइस एंड शुगर के कुछ जो है पीसेस वो डाल के आप उसे भी शेकर बना सकते हैं, और आप उसके साथ भी प्ले कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3। तो चलिए अब हम देखते हैं बीट साउंड कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं एक शेकर यूज़ कर रहा हूँ, इसका साउंड कुछ इस तरह से। आप जो शेकर बनाएंगे घर पे, आप उससे भी कुछ इसी तरह प्ले करेंगे। तो देखते हैं कैसे। 1 2 3 1 2 3 हमें पहले काउंट को बोलना सीखना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या हम इसे हैंड पे बीट कर सकते हैं साउंड के लिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक कोई भी बर्तन है घर पे, तो हम उसमें कोई प्लेट ले सकते हैं, स्पून साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो कोई बाउल ले सकते हैं उसके साथ स्पून को यूज़ करके प्ले कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। नाउ इमेजिन दिस इज़ आवर प्लेट एंड दिस इज स्पून। हमारे पास घर पर कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हम इस तरह से घर पे बर्तन के साथ भी बीट को प्ले कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आप कोई भी टेबल ले सकते हैं या कुछ भी आपके पास मटेरियल है आप उसे यूज़ कीजिए, और हाथ में कोई स्टिक ले लीजिए या स्पून ले लीजिए। जैसे मेरे पास एक स्टिक थी अभी, तो हम उसकी हेल्प से देखते हैं कि अगर ये टेबल है, बट ध्यान रखिए किसी ग्लास की टेबल के ऊपर आपको हिट नहीं करना, अदरवाइज वो टूट जाएगी। ओके, अब जैसे हम इस स्टिक से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये थी हमारी बीट 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट लेसन में हम इस बीट को देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पर ये बीट यूज होती है और किस तरीके से हम इसे बजा सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।